नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में IIT से मोतीझील तक मेट्रो ट्रैक और स्टेशन तैयार हो चुके हैं और 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा सफर करने के बाद 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से आम जनता के लिए मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, कानपुर शहर में IIT से मोतीझील तक मेट्रो ट्रैक और स्टेशन तैयार है और 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यात्री बनकर IIT से गीतानगर स्टेशन तक सफर करके शुभारंभ कर देंगे। इसके बाद 29 दिसंबर की सुबह 6 बजे से आम जनता के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक खास सुविधाएं मिलेंगी। स्टेशन पर सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट से पहुंच सकेंगे और गंतव्य वाली मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए सारी जानकारी मिलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के साथ ही ट्रेन में भी लगातार उद्घोषणा होगी और अगर आप मेट्रो की यात्रा करना चाहते हैं तो यह बहुत ही आसान है। मेट्रो की यात्रा के दौरान आम यात्री को कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में क्या है खास सुविधाएं। हर स्टेशन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वह ग्राउंड फ्लोर है जहां से सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी व लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा जा सकता है। स्टेशन पर सड़क के दोनों तरफ लिफ्ट, सीढ़ी व स्वचालित सीढ़ियां हैं। स्टेशन के पहले फ्लोर को मेट्रो का कॉन्कोर्स कहा जाता है। यहाँ अंदर पहुंचकर टिकट काउंटर है जहां से यात्रा के लिए टिकट लिया जा सकता है। यहाँ किस स्टेशन तक यात्रा करनी है इसे बताकर टिकट के रूप में QR कोड की पर्ची ली जा सकती है। इसके बाद ही इसी फ्लोर पर जांच की सुविधा भी है। यहाँ सभी यात्रियों को जांच के बाद आगे जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही लगेज स्कैनर भी लगा है जिसमें यात्रा के दौरान जो भी बैग आदि हैं उसे जांचा जाएगा। यहाँ से आगे किस तरफ के स्टेशन के लिए यात्री को जाना है इसके लिए बोर्ड लगे हैं जो बताते हैं कि किस तरफ की सीढ़ियों से उन्हें दूसरे तल पर जाना है। एक तरफ की सीढ़ियां IIT स्टेशन की तरफ ले जाती हैं तो दूसरी तरफ की सीढ़ियां मोती झील की तरफ यात्रा करने वालों के लिए है। पहले तल से दूसरे तल पर जाने के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन डोर पर पर्ची छुआ कर जाया जा सकता है। यहां से ऊपर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फिर अलग सीढ़ियां, स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट है। ग्राउंड फ्लोर पर लगी लिफ्ट, सीढ़ी, स्वचालित सीढ़ी से सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा जा सकता। कॉन्कोर्स से लेकर प्लेटफॉर्म तक लाउड स्पीकर पर ट्रेनों के आने की सूचना दी जाती रहेगी। इसके अलावा कॉन्कोर्स व प्लेटफॉर्म पर डिजिटल डिस्प्ले भी लगे हैं जो समय के साथ ट्रेन के आने की जानकारी भी देंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान जानकारी मिलती रहेगी कि अगला कौन सा स्टेशन आने वाला है। एक अच्छी बात यह है कि यात्रा चाहे मोतीझील से IIT की हो या IIT से मोतीझील की, प्लेटफॉर्म बाईं ओर ही पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन में दरवाजे के ऊपर लगा पैनल भी बताता रहेगा कि किस स्टेशन को पार कर चुके हैं और अगला स्टेशन कौन सा है। ट्रेन के अंदर मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट्स भी रहेंगे। इसमें USB चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। पैनिक बटन भी ट्रेन में कोई बुजुर्ग दिव्यांग, नेत्र दिव्यांग और उसे अगर लगता है कि उसे ट्रेन से उतरने में देर लग सकती है तो वह पैनिक बटन दबाकर ट्रेन ऑपरेटर से कह सकता है कि उसे उतरने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए ट्रेन कुछ क्षण के लिए रुकी रहेगी। इस पर ट्रेन ऑपरेटर उसके उतरने का इंतजार करेगा। स्टेशन स्टाफ भी उस यात्री को उतरने में मदद करेगा। जी, आपको बता दें, स्टेशन और ट्रेन में नेत्र दिव्यांग और दिव्यांग के लिए अलग सुविधाएं हैं। उनके लिए लिफ्ट तो है जिसमें ब्रेल लिपि के बटन है। इसके अलावा नेत्र दिव्यांग के लिए टिकट काउंटर तक जाने, वहां से फ्लोर की लिफ्ट या सीढ़ी तक पहुंचने के लिए टेक्टाइल पाथ बना हुआ है। प्लेटफॉर्म पर सीढ़ी से पहुंचे या लिफ्ट से हर जगह टेक्टाइल पाथ बना हुआ है। यहां से प्लेटफॉर्म पर जहां ट्रेन के दरवाजे खुलेंगे ठीक उनके सामने तक टेक्टाइल पाथ बना हुआ है। पूरी ट्रेन में चढ़ने के लिए 3 स्थानों पर टेक्टाइल पाथ है। दिव्यांग के लिए ट्रेनों में दोनों तरफ अलग चेयर लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।